नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं झादुरिया। भारत में कोरोना वायरस की संक्रमितों की संख्या 86,83,917 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 47,905 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 550 लोगों की जान गई है। संक्रमण के चलते जान गंवाने वालों का आंकड़ा अब 1,28,121 हो गया है। देश में कोरोना वायरस की मृत्यु दर 1.47% है। पिछले 24 घंटे में 52,718 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 80,66,502 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा 5 लाख से नीचे आ गया है। फिलहाल 4,89,294 मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी कि ये एक्टिव केस है। दिल्ली में कोरोना वायरस फिर खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 8,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा केस है। इस खतरनाक महामारी से 85 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,264 मरीज ठीक हुए हैं। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में 7,830 कोरोना मामले सामने आए थे। बात करें महाराष्ट्र की, तो राज्य में बुधवार को 4,907 नए मरीज मिले हैं। 9,164 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में 125 संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक राज्य में 17,31,833 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 88,070 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 15,97,255 लोग महाराष्ट्र में ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक राज्य में 45,560 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर 702 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ ही मरीजों का आंकड़ा अब 2,24,977 हो गया है। इनमें 6,392 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,17,422 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। बिहार में संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 1,162 हो गई है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राज्य में बुधवार को भी नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 1,848 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 2,112 लोग रिकवर हुए हैं और 20 लोगों की मौत हुई है। अब तक 5,03,159 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 22,562 मरीजों का इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,73,316 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 7,281 हो गई है। कोरोना मरीजों की पहचान के लिए सरकार की तरफ से टेस्टिंग को लगातार बढ़ाया जा रहा है। देश में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। ICMR के मुताबिक मंगलवार को देश भर में 11,93,358 कोरोना टेस्ट हुए हैं। आपको बता दें, देश में कुल टेस्टिंग का आंकड़ा 12,19,62,509 हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।